बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेड बीन्स करी की रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम रेड बीन्स। रेड बीन्स को 8 घंटे के लिए पानी में रखा था और फिर नमक डालकर बॉईल करने के बाद उसका वज़न क्या था उसी का पानी ले लेंगे जितनी ज़रूरत है। 3 टोमेटो लेंगे, उसकी प्यूरी बना ली है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक हसबे ज़रूरत, एक दार चीनी, 4 लौंग, 6 काली मिर्च, एक मीडियम प्याज ली है उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और ऑयल ले लेंगे। ऑयल को गरम कर लिया है, अब इसमें प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। लो टेम्परेचर रखा है, अब इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, सारे मसाले डाल देंगे। इसको थोड़ा भूनने के बाद टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि टोमेटो का पानी खुश्क हो जाए। अब इसको अच्छी तरह भून लिया है, अब हम इसमें रेड बीन्स डाल देंगे। हरा धनिया भी डाल देंगे, थोड़ा हरा धनिया लिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके रख देंगे। टेम्परेचर को लो ही रखना है। तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखा था। अब ये रेड बीन्स करी तैयार है। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप रख सकते हैं। डिलीशियस रेड बीन्स करी सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।